में बहुत सारी पेट स्टमक पोषण होता की पोषण कंट्रोल होता की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अर्शी खान, तो मैंने बोला था धीरे धीरे सब आएगा, तो सब वीडियोस आ रहे हैं, धीरे धीरे होल भी आ रहा है। और मैंने बोला था कि मैं आप सबके सामने मेरी डाइटिंग, मैं क्या खाती हूँ और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, ये सब चीज़ें मेरे ऊपर सूट हुई है। अगर आप भी होती है तो आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो। मैं बस आपको आइडियाज़ दे रही हूँ, लाइक मुझे पूछते रहते हैं तुम क्या खाती हो, हम क्या खाएं, तो मैं आइडियाज़ दे रही हूँ। तो आज का हमारा जो मेन वीडियो है, फोकस है, वो है हमारे ब्रेकफास्ट पे, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऐसा होता है कि हम पूरे नाइट में भूखे रहते हैं, हमारा पेट खाली रहता है, हमारे सोते टाइम हमारे डाइजेशन में, हमारे पेट में बहुत सारी पेट स्टमक हमारे स्टमक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो हम जब सुबह उठते हैं तो हमें उठते ही ऐसा कुछ हमारा जो फास्ट होता है 8-9 घंटे का, वो ऐसी चीज़ों से टूटना चाहिए कि हमारी बॉडी उस चीज़ को जब अडेप्ट करे तो वो अच्छे से, मतलब कैसे बताऊँ, एक्चुअली ये साइंटिफिक मेडिकल वाली भाषा नहीं आती है, बट ऐसे यूज ऐसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि कि हमारी बॉडी उसको अच्छे से वर्क करे, हमारे सिस्टम पे ज़्यादा ऐसे उसको ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, वो आराम से फ्लो में जाए। तो ऐसा करना है, ऐसा खाना है हमको। तो हमें सबसे पहले उठते ही हमें बहुत सारा पानी पीना है, तो ये सबसे बड़ा होता है। अगर आप अपना वेट लॉस जर्नी, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल ये स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो यही करना है, उठते ही पानी पीना है बहुत सारा। ऊंट बन जाओ रेगिस्तान में, हम राजस्थानियों की तरह ऊंट बन जाओ कि पानी दिख गया पीते जाओ। तो इस बात पे हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो आपको बहुत सारा पानी पीना है, ठीक है। जब पानी का हो गया तो आपको मैं बहुत सारी ड्रिंक्स बताऊंगी। मैं अगर आपको एक दिन का भी अपना कुछ ऐसे बताती हूँ कि मैंने आज ये पिया वो पिया, तो मेरा क्या है, मेरा कोई भी फिक्स नहीं है, मैं हमेशा ना ऐसे चेंज करती रहती हूँ, मैं हमेशा, मेरा कोई फिक्स नहीं है। तो कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को कि ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको एक दिन का वीडियो बता दिया कि मैं एक दिन में क्या क्या खाती हूँ, तो वो ऐसे नहीं है कि मैं हमेशा वही खाती हूँ। अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैं सुबह उठती जीरा वाटर लेती हूँ, तो ये नहीं है कि मैं पूरे हफ्ते जीरा वाटर लेती हूँ, मैं चेंज करती रहती हूँ। तो ऐसा होता है कि, और पर आपको अपनी बॉडी पर ऐसे नहीं देखना है कि ये चीज़ें सिर्फ मैं ये लूँ तो पतला हो जाए, नहीं, आपको सब खाना है, सब पीना है, बैलेंस्ड रखना है, अपनी बॉडी को हर चीज़ की आदत डालनी है, एक एक चीज़ पे नहीं, क्योंकि सब जो ऊपर वाले ने खाने पीने के लिए बनाया है तो उनकी सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, तो सबको बस थोड़ा थोड़ा किस तरीके से टाइमिंग वैसे खाना है। तो उसके बाद में जैसे भी मैं उठती हूँ बहुत सारा पानी पीती हूँ। पानी पीने के बाद में या तो मैं लेमन वाटर लेती हूँ, मतलब हल्का सा गुनगुना पानी करती हूँ, उसमें नींबू पानी डाल के, नींबू पानी, नींबू लेमन जो भी, तो वो पीती हूँ। और कभी कभार ये होता है कि मैं रात को जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, इन चारों में से कुछ भी भिगो के रख देती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ उस पानी को जिसमें मैंने भिगोया है थोड़ा और पानी मिलाती हूँ और उसको थोड़ा सा अच्छे से बॉईल करके चाय की तरह सिप सिप करके वैसे पी लेती हूँ। तो इन सब के मैं वीडियोस आपको आराम से सारे एक साथ अलग आराम आराम से सब बताऊँगी। तो ये हो जाता है। उसके बाद में ये जब हमारा पीने का टाइम हो गया, अब हमें कुछ खाना है, तो आप सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स खाओ, कुछ भी नट्स हो, मतलब बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, पिस्ता, हम हमेशा से हमारे इंडियन फैमिलीज में चलता आया है बादाम, तो आप मिनिमम 5 बादाम उठते ही अपने मॉर्निंग अपनी डाइट में डेली आपको इंक्लूड करना ही करना है। कोई ऐसे बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाने से मोटे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, आपको अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है, आपको अपनी बॉडी को फिट बनाना है, तो आपको सब वो खाना है जो आपके लिए, हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो उसमें सबसे जो ड्राई फ्रूट्स है वो हेल्दी फूड में आता है। मुझे पता है बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत हाई कैलोरी होती है, तो वो होती है काजू में, किशमिश में, सब में ही हाई कैलोरी है, बट इसमें गुड फैट होता है, अच्छा फैट होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए, प्रोटीन होता है, प्रोटीन का तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या बेनिफिट है। तो हमें ड्राई फ्रूट्स, तो हमारा ड्राई फ्रूट हो गया, ये हो गया। उसके बाद में अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो वो करो, कोई भी वर्कआउट, कुछ भी 10-15 मिनट का योगा, वॉक, जो भी आपको करना है एक वो करो।
और उठने के, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो लाइक वर्कआउट नहीं है आपका, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उठने के कम से कम 1.5-2 घंटे बाद में आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, आपका फर्स्ट मील है वो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वो पूरे दिन की एनर्जी देता है। तो आपका ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए, मेनली फ्रूट्स आप ले सकते हो, पर मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में यही रखा था कि मैं फ्रूट्स खाती थी। बट आजकल ऐसा है कि उस टाइम मेरे को इतनी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती थी, बस इतना पड़े रहते थे वो ही था। पर अगर आपका बहुत ज़्यादा शेड्यूल ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है, आपको दौड़ना भागना काम अगर होता है, तो मेनली आपको क्या लेना है, आपको मैं जो आज बता रही हूँ वो ऐसे इंडियन फैमिलीज़ में, लाइक मेरे पास है ना, ऐसे बहुत बोलते हैं कि यार घर में रहते हैं सबके लिए बनता है, हमारे लिए अलग से कैसे बनेगा, और कुछ ऐसे बोलते रहते हैं सबके लिए ये मैनेज नहीं हो पाता। तो ये ऐसा है कि आप अकेले रहते हो तो भी बना सकते हो, आप फैमिली के साथ रहते हो तो भी बना सकते हो। और इसमें एक मैंने ऐसी रेसिपी इंक्लूड की है जिसमें तो ज़्यादा कुकिंग का काम ही नहीं है। तो बहुत सारी बातें हो गई, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, मैं बहुत सारी बातें करूँगी, मेरे पास बहुत बातें इसके लिए तो मैं घंटों वीडियो लंबे बना सकती हूँ, पर अभी इतना ही बताती हूँ। तो अब हमारे चलते हैं हम हमारी फर्स्ट रेसिपी पे। पहले बना रहे हैं हम टोफू पोहा। पोहा ऐसा है कि जो हमारी फैमिलीज में या इंडियन फैमिलीज में या इंडिया का मतलब पीजी में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, फैमिलीज में रह रहे हो, फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो आपको पोहा जैसा आप डेली बनाते आ रहे हो अपनी फैमिलीज में वैसा ही बनाना है, बस उसमें कुछ चेंजेस करने हैं कि वो और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा प्रोटीन रिच और ज़्यादा हेल्दी बन जाए, जो आपकी वेट लॉस जर्नी में। अब आप पोहे में आलू डाल रहे हो, आप पोहे में नमकीन डाल रहे हो ऊपर से, और आप उसको डेली खा रहे हो और आप बोल रहे हो कि हम हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। नहीं, वो हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं है बिल्कुल भी। आपको अपने पोहे में से कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि इंक्लूड करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। तो आपके पोहे में से आप जो ये भर भर के आलू डालते हो, आप जो लास्ट में बनने वाले भर भर के नमकीन डालते हो, उसको तो हटाना है, आपको ऐड करना है आलू की जगह पनीर, टोफू या स्प्राउट भी डाल सकते हो आप। तो आपको इन तीनों में से कुछ भी ऐड करना है जिससे कि आपका पोहे का प्रोटीन लेवल बढ़ेगा, उसको प्रोटीन रिच बनेगा। देन आपको अगर आप थोड़ा आपको अगर टेस्ट नहीं आ रहा है तो आप उसके साथ थोड़ा सा दही ले सकते हैं। तो आपको अपना पोहा ऐसे बनाना है, हार्ड टास्क नहीं है, बस आपको जो आपकी डेली जो पोहा बन रहा है उसको वैसे ही बनाना है, बस आपको उसमें पनीर, टोफू, स्प्राउट्स ऐड करना है, आपको बस नमकीन नहीं डालनी है टेस्ट के लिए, बिल्कुल नहीं डालना है। तो आपके लिए ये आपका, और एक बात और, हेल्दी के नाम पे ऐसे नहीं कि आप उसको प्लेट भर भर के आप उसको इतना सारा खा रहे हैं। पोर्शन कंट्रोल इज द की, आपको थोड़ा खाना है, ऐसे नहीं कि मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ तो मैं प्लेट भर के खा रहा हूँ, नहीं, आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, थोड़ा खाना है। अगर क्योंकि आपके दिन के, अगर आप वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे हैं तो आपके दिन में 3 तो हैवी मील होते हैं और 2 लाइट मील होते हैं, तो बहुत सारा होता है। तो आपको ऐसे नहीं है कि भूख लगेगी, आपको थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रेसिपी, अब हम चलते हैं हमारी सेकंड रेसिपी पे। सेकंड रेसिपी है हमारी बहुत ही टेस्टी होने वाली, जैसे कि कर्ड राइस तो सबके घर में बनते हैं, तो कर्ड राइस को हम मतलब राइस सुबह सुबह नहीं खा सकते, और बहुत लोगों को ऐसे डाउट होता है कि हम राइस खाएं या ना खाएं। तो अगर जो छोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट और सबसे इजी, इतनी जल्दी बन जाती है ना कि इतना कम टाइम लेता है और सबको पसंद भी आने वाली है। तो बहुत ही ट्विस्ट है, ये है हमारा कर्ड दलिया। तो साइड में रेसिपी चल रही है, बस आपको क्या करना है, दलिया को बॉयल करना है जैसे नॉर्मल करते हैं, हल्का सा नमक आपको उसमें डाल देना चाहिए, पानी डाल देना है और नमक डाल के और थोड़ा सा पानी और उसको पानी डाल के बस बॉयल कर लेना है। आपको उसमें ना तेल डालना है, कुछ भी ऑयल वॉयल कुछ ऐड नहीं करना, नॉर्मल दलिया बॉईल करना है। साइड में आपको राई, चने की दाल, कड़ी पत्ता, पीनट्स, लाल मिर्च, हरी मिर्च, थोड़ा सा मसाला डाल के आपको एक मसाला तैयार कर लेना है। आप तड़का तैयार कर लेंगे, फिर जैसे ही हमारा दलिया रेडी होगा हम उसमें डालेंगे बहुत सारा दही और हमारा तड़का। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, मैंने जब से इसको बनाना और खाना स्टार्ट किया ये मेरा वन ऑफ फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो प्लीज़ इसको ट्राई करना, तो जल्दी जल्दी ये भी बन जाएगा। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी रेसिपी पे।
कर्ड दही की तरह ही हमारी तीसरी रेसिपी बहुत टेस्टी और बहुत इजी होने वाली है। तो हमारी तीसरी रेसिपी में होने वाले हैं चने का सैलेड, चिकपी सैलेड, छोले का सैलेड, सैलेड काबुली चने का सैलेड। तो ये तो ऑलमोस्ट सबको बनाना आता है, पर इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बॉयल्ड चना या चिकपी तो लेना ही लेना है। हम हमारी कोई भी फेवरेट वेजिटेबल्स होंगी उनको चॉप कर लेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारी कोरिएंडर चटनी बनती है, हरी धनिया की चटनी बनती है, उसमें थोड़ा सा मतलब हरा धनिया कम रखना है, लहसुन अदरक मिर्च और थोड़ा सा नमक, और उसमें थोड़ा सा दही ज़्यादा डालना है, और ऐसा करके थोड़ा चटपटा टेस्ट आ जाएगा। तो वो डाल के हमें हमारा बनाना है चने का सैलेड। तो ये हो गई हमारी तीसरी रेसिपी। तो अब हम चलते हैं हमारी चौथी रेसिपी पे। तो फोर्थ रेसिपी तो सबकी फेवरेट होने वाली है, ये है हमारा पनीर। पनीर मतलब बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी, इतनी जल्दी मैंने जब इसको बनाया था ना फर्स्ट टाइम, जब मैंने इसको ट्राई किया था मतलब मुझे इससे प्यार हो गया था। इतनी जल्दी कैसे बन सकता है? आपको क्या करना है, जो रेसिपी साइड में तो चल ही रही है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ग्रीस करना है, पनीर डालना है, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, बेल पेपर, प्याज बड़े बड़े चॉप करके डाल देना है, थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर, और मसाला आप सुबह सुबह कम लो तो अच्छा है, आप उसकी जगह ब्लैक सॉल्ट या ब्लैक पेपर ये यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डाल के उसको थोड़े से देर में कुक करना है और उसको इंजॉय करना है। तो ये हो गई हमारी चारों रेसिपी, बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही प्रोटीन रिच होने वाली है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप जब इसको ट्राई करोगे, आप इनको हर एक दिन ट्राई करके देखना और आप मुझे बताना कि आपको कैसे लगे। बट पोर्शन कंट्रोल इज द की, हेल्दी है बट थोड़ा थोड़ा खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, और ब्रेकफास्ट भी आपको लाइट रखना है। अगर इसके साथ में आप लेना चाहो तो थोड़े से फ्रूट्स, सॉरी बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज, तो सारे कबूतर मेरी खिड़की पे आके बैठ गए। तो ये हो गया आज का वीडियो। तो मैं बहुत ही ऐसी अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज के साथ जल्दी वापस आऊंगी। तब तक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने इनको ट्राई किया है और आपको ये कैसी लगी है। अभी ये वीडियो मेरे को आज तक तो अपलोड होना चाहिए था, बट मैं इसे अभी बना रही हूँ, रात की 12 बज रहे हैं। मैंने सोचा बना देती हूँ ताकि कल तक तो अपलोड हो जाए, नहीं तो मैं उसको कल बनाती, परसों एडिटिंग होती तो बनता, पर मैं आपके लिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो ये वीडियो कल तक आ जाएगा, मतलब आपके पास आ जाया है जो मैंने कल बनाया है, तो ये आ जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा लगा, और आपने अगर ट्राई किया है तो सबसे बेस्ट कौन सा लगा वो भी मुझे बताना। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, ओके, बाय बाय।